रहट गांव तहसील में लंबे समय के बाद अवैध लकड़ी माफिया सक्रिय हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात को वन विभाग के कर्मचारियों को 3 दिनों तक लोगों ने मारपीट कर नुकीली वस्तु पेट में घोंप दी है, जिससे एक वनरक्षक को गंभीर चोट आई है और इससे रात्रि में ही भोपाल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि रहटगांव रेंज के बड़वानी में पदस्थ नाकेदार माखनलाल कचुनारे के साथ रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच रहटगांव के कालू मीना, सगीर पठान और प्रदीप राठौर द्वारा मारपीट की गई, जिन पर धारा 294, 253, 333, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात्रि में सागौन के लट्ठों से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी के आने की सूचना पर नाकेदार माखनलाल कचुनारे और गौरीशंकर कुशवाहा सागौन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जैसे ही सागौन लट्ठों से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी उन्हें दिखाई दी, उन्होंने उसे रोका और इस गाड़ी पर रुकते ही पिकअप के चालक और उसके साथ ही नाकेदार माखनलाल कचुनारे और गौरीशंकर कुशवाहा पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, किंतु दोनों ने हिम्मत न छोड़ते हुए पिकअप को, वन उपज और ड्राइवर को पकड़ लिया। सागौन चोरों द्वारा किए गए हमले में दोनों वन रक्षकों को चोटें आई हैं, जिसमें नाकेदार माखनलाल कचुनारे गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वन विभाग द्वारा पिकअप MP47G0823 को सागौन लठे किस नग सहित जब्त किया गया है। माल 21 नग है, जो आधा घन 0.552 घन मीटर है, जिसकी कीमत मान के चलिए, चूंकि सागौन की लकड़ी अच्छी है वो, तो करीब ये मान के चलिए कि 70,000 से 80,000 के बीच में इसकी कास्ट होगी।